हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और उसके बाद दबाइए इस बेल आइकन को और पाइए हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ SSC JEE पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें जो जनरल इंजीनियरिंग का पार्ट है उसका इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस होता है मैं उसके बारे में आज आपको बताऊंगा क्या सिलेबस होता है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ SSC JEE के बारे में या फिर अन्य अदर किसी एग्जाम के बारे में वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, इसके पहले मैंने SSC JEE पेपर 1 का जो सिलेबस डाला था उसमें मैंने आपको बताया था जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता उसका पूरा सिलेबस बताया था और जनरल अवेयरनेस का पूरा सिलेबस बताया था, लेकिन मैंने जो पार्ट सी होता है जनरल इंजीनियरिंग में उसको बता दिया था सिर्फ मैकेनिकल और बेसिक मैकेनिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक सिविल एंड स्ट्रक्चर, लेकिन मैंने उसके बारे में सिलेबस नहीं बताया था। तो पहला ये मेरा है, मैंने पहले सोचा इलेक्ट्रिकल के बारे में बता दूँ, उसके बाद मैं मैकेनिकल और सिविल के बारे में बता देता। तो बेसिक जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस होता है उसे आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा मन करेगा, नहीं तो ये जो मैं बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा और उसी हिसाब से तैयारी कीजिए। दोस्तों, ये आपको बता दूं, नोट में लिख लीजिए क्योंकि ये पेपर 2 के बारे में नहीं है और ये पेपर 1 के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही सिलेबस है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने पहले से एक लिस्ट तैयार कर ली थी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसके बारे में, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पोर्शन आता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब छोटी छोटी चीजें होती हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं जिन्हें हम शुरू से पढ़ते चले आते हैं, जैसे आपका ओम्स लॉ हो गया, आपका कंडक्टर हो गया, सेमी कंडक्टर हो गया और कुछ यूनिट्स तो आ जाते हैं उसके बीच में, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार कर लीजिए। कई बार होती हैं चीज़ें, ये चीज़ें हमारे सामने आती जाती रहती हैं लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते हैं और ये एकाएक हमारे सामने आ जाती हैं तो सोचते हैं कि इतनी सिंपल सी चीज़ें मैं तैयार नहीं कर पाया और वो क्वेश्चन छूट जाता है। तो दूसरा आता है सर्किट्स लॉ, सर्किट्स लॉ के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट आप देख लीजिएगा। इसी फंडामेंटल अल्टरनेटिव करंट फंडामेंटल, जो अल्टरनेटिव करंट का फंडामेंटल होता है उसके बारे में। मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो मापन की और मापन यंत्रों के बारे में होता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीनों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन, नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन में आपका होता है कि किस जनरेशन में कौन सी मशीनें आई उसी हिसाब से जनरेशन आपका होगा। आप ये जो चीज़ें हैं वो आपको बेसिक जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं अगर जो, तो उसमें टोटल वहीं से ये सब सिलेबस बेसिक उठाया जाता है और बाहर से कहीं कुछ नहीं आती। आप सिलेबस पहले से पढ़ लीजिए और जो आप डिप्लोमा में बुक पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से उसमें से निशान लगा आपको क्या क्या अच्छे से पढ़ना है, तो आप वहां से अगर जो तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट आता ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता यूटिलाइजेशन एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेक्स्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स। तो दोस्तों, ये था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है पार्ट 1 का, वो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इन सबको पोर्शन को आसानी से अगर जो आप कवर कर लेते हैं, सही से पढ़ लेते हैं, तो आसानी से आप SSC JEE पेपर 1 को क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आप इन सबको पढ़ने के साथ अगर जो आप आसानी से पेपर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों, ये था पेपर 1 का सिलेबस। मैं पेपर 2 का सिलेबस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, बहुत से लोग मुझसे कमेंट कर रहे हैं कि सर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पेपर 2 का सिलेबस लेके आइए। तो दोस्तों, मैं जल्दी ही कोशिश करता हूँ कि इलेक्ट्रिकल 2 का सिलेबस आपको जल्दी से कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करा लूँ। दोस्तों, अगर जो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।